लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली थी। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें ईगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ईगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर। आपको दिखाई दे रहा है इस पूरी इक्वेशन में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो हमने लैम्डा कॉमन ले लिया कि हमारे पास क्या बचा, ये लैम्डा की पावर 3 थी, लैम्डा स्क्वायर बचा, लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा बचा, और लैम्डा हमने भाग लिया कितना बचा, 45 इक्वल टू कितना हो गया, 0। लैम्डा की जितनी पावर यहाँ पे होंगी, यहाँ पावर कितनी है मैक्सिमम उसकी 3 है, तो इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स की हमारी 3 ईगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर यहाँ लैम्डा की पावर 2 होती मैक्सिमम पावर, तो आपकी इस मैट्रिक्स की 2 ईगन वैल्यूज होती। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, तो हो गया लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। तो एक ईगन वैल्यू तो हमारे पास ये निकल के आ गया, लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या इक्वेशन कौन सी बनी है, इस इक्वेशन को लैम्डा की पावर कितनी है, 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके इसको सॉल्यूशन कैसे होता है, ए इंटू सी, यानी ए सी के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर बी आए, जिन्हें प्लस करने पर क्या आए आपका, बी। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करने पर आपका क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। एक तरीका तो इसका फैक्टर करने का ये होता है, और दूसरा तरीका इसका क्या होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसमें क्या, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चाहे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फैक्टर कर सकते हैं, और चाहे आप नॉर्मल फैक्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से फैक्टर करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू कितना था हमारे पास, 0। अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ, ए इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। एक्स का कोफिशियंट यानी यहाँ पे लैम्डा का कोफिशियंट बी, बी कितना है माइनस 18, और सी कितना है आपका 45। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 45। एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट या लैम्डा स्क्वायर का कोफिशियंट ए कितना हो गया, 1। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, एक्स लैम्डा, तो लैम्डा कोफिशियंट कितना हो गया आपका माइनस 18। तो अगर मैं इसका नॉर्मल फैक्टर करूँ पहले, तो 1 इंटू 15, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 45। 45 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पे 18 आए, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 45 आना चाहिए, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 18। तो 15 थ्री ज़ा 45, लैम्डा स्क्वायर माइनस आपने भाग ले लिया 18 लैम्डा को, आप क्या लिख सकते हैं, 15 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा। अब आप चेक कर लीजिए, 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, और 15 थ्री ज़ा कितना हो गया, 45, प्लस का 45 इक्वल टू कितना चल रहा है आपका, 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस अंदर ले गए, तो माइनस का 15 लैम्डा प्लस माइनस 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 का 3 लैम्डा प्लस का 45 इक्वल टू कितना हो गया, 0। शुरू की दो टर्म का पेयर एक साथ, बाद की दो टर्म का पेयर एक साथ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास, लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 लैम्डा प्लस 45। अगर आपका पहला नंबर माइनस का है तो आपको माइनस कॉमन आना ही आना है, अगर प्लस का है तो प्लस कॉमन आना है। तो एक तो माइनस कॉमन आ गया, और 3 लैम्डा 45 में क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो माइनस 3 मैंने भाड़ लिया, तो यहाँ क्या बचा, लैम्डा, और माइनस का 3 भाड़ लिया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस, और 45 में 3 कॉमन ले लिया, यानी 3 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 15 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम बन रहे हैं तो यानी आपके फैक्टर सही हैं, अदरवाइज आपके फैक्टर गलत हैं। तो अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 15 कॉमन आ रहा है, तो जब यहाँ से क्या बचेगा, लैम्डा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू 15 और लैम्डा इक्वल टू 3। एक वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी प्रीवियस स्टेप में, लैम्डा इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, जो हमारे प्रीवियस स्टेप में आया था वो कितना आया था, लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारे पास टोटल 3 ईगन वैल्यूज निकल के आ गई, लैम्डा इक्वल टू 0, 15 और 3। तो फाइनली हमारे पास लैम्डा की मैक्सिमम पावर 3 थी, तो हमारे पास 3 ही ईगन वैल्यू निकल गई है, 0, 15 और 3।
अब आपको मैं सेम इक्वेशन के फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। इक्वेशन सेम है आपके पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई केस में ऐसा होता है कि फैक्टर हो भी नहीं पाते डायरेक्ट, तो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो माइनस का बी, बी कितना है यहाँ पे, माइनस 18 है, तो ये माइनस का बी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 हो गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 18 का स्क्वायर होता है 324, बी स्क्वायर यानी 18 स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है आपका 1 और सी कितना है आपका 45 डिवाइड बाई 2a यानी 2 × 1। सॉल्व कर लीजिए इसे, 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 माइनस 4 × 5, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 यानी 180 डिवाइड बाई 2a यानी 2 × 1 यानी 2। तो 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324 में से 80 गया, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। अब आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 144 के फैक्टर कर लेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 by 2 2 की पेयरिंग करते हैं, तो ये 2 एक साथ, ये 2 2 एक साथ और ये 3 एक साथ, तो इन 2 2 में से 1 2 आ गया, यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 18 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। तो आपके पास यहाँ लैम्डा की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, लैम्डा इक्वल टू 18 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 और एक 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 अपॉन 2 और 18 माइनस 12 आपका कितना हो गया 6 अपॉन 2। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई यहाँ से 15 और 3, और दो एक वैल्यू आपने पहले निकाली थी 0, तो कितना आ गया आपका 0 3 और 15। अगर आप चेक करें यहाँ से भी आपकी सेम वैल्यू आई है और पहले भी आपकी सेम वैल्यू आई थी, तो आप किसी भी फैक्टर, किसी भी मेथड से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो इसका फर्स्ट स्टेप। इसका जो पूरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फाइंड द ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स। तो ईगन वैल्यू वेक्टर्स निकालने के लिए आपको ईगन वैल्यूज निकालनी बहुत जरूरी थी। पहले आप इस लेक्चर में ईगन वैल्यूज के बारे में सीखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ईगन वेक्टर्स। थैंक यू।